इस समय के लिए प्रभु जी, प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। हम सभी प्रभु एकत्रित है प्रभु जी, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आपने हम सभी को प्रभु एक जगह एकत्रित किया ताकि हम आपकी आराधना करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग राजा, आप महान है राजा। आइए क्यों ना मिलकर उसके गीतों को गाएं, उसके नाम को पुकारें और हर्ष और उल्लास के साथ उसकी स्तुति करें। Oh, wow.
आइए क्यों हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाएं। हमने सारा जहान ढूंढ लिया मगर उसके जैसा हमें कोई नहीं मिला। आइए अपने दृष्टि को यीशु की ओर लगाएं, उससे कहे मैंने ढूंढा यह सारा जहां मगर तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला प्रभु। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा ना कोई।
दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सा हमने सारा जहां ढूंढ लिया, मगर यीशु के जैसा प्रेम करने वाला, यीशु के जैसे वो अगापे प्रेम करने वाला हमें कोई नहीं मिला। कई बार हमारे मनों में प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रभु हमसे प्यार करता है कि नहीं, और यदि वो हमसे प्यार करता है तो वो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करता, यदि हम बीमार है तो वो हमें चंगा क्यों नहीं करता, यदि हम किसी समस्या में पड़े हैं तो वो हमारी समस्याओं से हमें आजाद क्यों नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में ये प्रश्न हमें बार बार सताते हैं कि यदि प्रभु है, यदि यीशु जीवित है, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। मगर बाइबल कहती है कि विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक आप प्रभु पर विश्वास नहीं बताते, मुझे ऐसा कहने दीजिए कि आप चंगे नहीं हो सकते, आप हील नहीं हो सकते, आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी परिस्थितियां बदल नहीं सकती। इसलिए जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु के पीछे आई, यीशु पर हजारों लोग गिरे पड़ते थे, मगर यीशु सिर्फ एक स्त्री के लिए कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। यीशु को छू बहुत सारे लोग रहते, यीशु पर गिर बहुत सारे लोग रहते, मगर एक स्त्री का विश्वास था यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके फेथ के लेवल को बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपका विश्वास का स्तर आज बढ़ने जा रहा है। आज बाइबल में से हम मत्ती इसका 15वां अध्याय और इसकी 21वीं आयत से एक घटना के चित्रण को देखने वाले हैं, मैथ्यू चैप्टर 15:21। और यहां पर एक कनानी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि एक कनानी स्त्री थी और उसकी बेटी को दुष्टात्मा लगी हुई थी। जब उसने देखा कि यीशु मसीह उसके नगर में आए हुए हैं, जब आप इस पूरे चित्रण को देखेंगे आपको पता चलेगा कि यीशु को उस नगर में जाने का कोई पर्टिकुलर काम नहीं था, मगर यीशु तो भी उस नगर में गए। बाइबल कहती है जैसे उस स्त्री को पता चला कि यीशु इस नगर में आए हैं, वो यीशु के पीछे गई और पीछे से यीशु को चिल्ला चिल्ला कर कहती है। 22वीं आयत में लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी,
हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है, आगे लिखा हुआ है, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। इसका मतलब यीशु ने सुन लिया था कि वो कनानी स्त्री यीशु को आवाज दे रही है, मगर बाइबल कहती है यीशु ने उसको आंसर नहीं दिया। आगे लिखा हुआ है, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो यीशु के पीछे गई, चिल्ला रही है, यीशु ने सुना मगर यीशु ने उसे कोई आंसर नहीं दिया। उसने देखा कि यीशु से इग्नोर कर रहे हैं, और फिर बाइबल कहती है वो और जोर से चिल्लाकर यीशु को पुकारने लगी, और इतनी जोर से चिल्लाकर यीशु को पुकारने लगी कि यीशु के चेले परेशान हो गए और यीशु से कहते हैं, प्रभु सारे मिरेकल बाद में करिए, इस स्त्री को विदा करिए, ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर हमारे पीछे पड़ी हुई है। बाइबल कहती है, आगे लिखा हुआ है 24 वायद में, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। सो फर्स्ट टाइम जब वो यीशु के पीछे आकर कहने लगी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु ने पहली बात उसकी बात को सुनकर भी उसे इग्नोर किया। सेकंड टाइम जब चेले आकर कहते हैं ये बहुत चिल्ला रही है, आपके पीछे पड़ी हुई है, सेकंड टाइम भी यीशु मसीह ने कहा मैं इनके लिए नहीं, क्योंकि वो एक कनानी स्त्री थी, मैं इनके लिए नहीं आया, मैं तो इज़राइलियों की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। सेकंड टाइम यीशु ने उसकी प्रार्थना को आंसर नहीं किया। आगे लिखा हुआ है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखिए जो थर्ड यीशु ने जो जवाब दिया, पहले बात तो इग्नोर किया, सेकंड टाइम कहा कि हम मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मगर थर्ड टाइम जो कहावत, जो वर्ड यीशु ने इस्तेमाल किया है, पूरी बाइबल में आपको ये वर्ड, इतना कड़वा वर्ड कहीं पर नहीं दिखाई देगा, जहां पर यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया करते। और इनडायरेक्टली यदि आप और मैं होते तो हम इस बात को इमेजिन कर लेते कि यीशु मसीह हमें बच्चों के जैसे, लड़कों के जैसे अपना समझकर बात नहीं कर रहे हैं, मगर वो स्त्री से कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं देते। कई बार हम हमारी प्रार्थना निवेदन को यीशु के पास लेकर जाते हैं, यीशु से कहते हैं, और कई बार यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर भी उसका आंसर नहीं देता। और कई बार लोग जब एक बार प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता है, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेकंड टाइम भी ट्राई करते हैं, मगर जब सेकंड टाइम उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, शायद वो फिर गिव अप कर देते हैं। मगर इस स्त्री ने पहले रिजेक्शन, पहले प्रेयर के आंसर नहीं मिलने पर भी सेकंड बार प्रभु के पास गई, प्रभु ने मना किया, वो थर्ड टाइम प्रभु के पास गई, मगर अब जो वर्ड कहा गया था वो सही में हर्ट करने वाला था। मगर बाइबल कहती है जब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, जो उसने उत्तर दिया ये बता रहा था कि वो यीशु के पास इस विश्वास से आई है, चाहे कुछ भी हो जाए यीशु को मेरी प्रेयर का आंसर देना पड़ेगा। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। 27वीं आयत, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरता है। हालेलुया। पता है वो यीशु से नाराज होकर वहां से चली नहीं गई कि आप मुझे कैसे कंपेयर कर सकते एक ऐसे जानवर के साथ, आप कैसे इस कहावत को कह सकते हैं, मगर वो कहती है प्रभु ठीक है, माना कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते हैं, मगर जो चूर चार बचा होता है वो तो कुत्ते खा ही सकते हैं। पता है जब वो प्रभु के पास आई थी, उसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए आज मैं प्रभु के द्वारा अपनी चंगाई, अपनी बेटी की चंगाई को लेकर जाऊंगी।
मगर जब ये पूरा इंसिडेंस हुआ जो यीशु ने कहा वो बहुत अद्भुत था। ध्यान से सुनिएगा, 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। पता है यीशु ने उससे कहा कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो जाए। आपको पता है चर्च, हम जब प्रभु के पास जाते हैं हमारी प्रेयर आंसर नहीं होती है। कई बार एक बार प्रेयर करने पर, दो बार प्रेयर करने पर जब हमें आंसर नहीं मिलता है हम गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग यीशु को छोड़ देंगे, कुछ लोग यीशु के अगेंस्ट बात करेंगे, कुछ लोग फेथ करना छोड़ देंगे, कुछ लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। मगर ये स्त्री ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, मगर एक बात को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए यीशु जो प्रेम करने वाला है वो मेरी बेटी को ठीक कर कर रहेगा। आज मैं आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, आपने एक बार प्रेयर करी आंसर नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार आपने प्रेयर करी कोई आंसर नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रेयर आंसर नहीं हो रही है, यीशु के पीछे जाना, यीशु से मांगना छोड़े नहीं। क्योंकि जब आप अपने हृदय को यीशु के सामने रखते, वो प्रेम करने वाला यीशु है, जब आप अपने फेथ को बताते हैं वो आपके फेथ को देखकर आंसर देने वाला प्रभु है। इस स्त्री ने उन वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस स्त्री ने उस डिले की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस स्त्री ने एक बात की तरफ ध्यान दिया, यदि कोई मुझे चंगा करेगा तो वो यीशु है, यदि कोई मेरी बेटी को हील करेगा तो वो यीशु है। आज आप प्रभु के सामने आकर इस जिद के साथ बैठे हुए हैं क्या? यदि प्रभु कोई मेरी बेटी को, कोई मेरी परिस्थिति को ठीक करेगा तो वो सिर्फ आप है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हमारे साथ समस्या क्या है प्रियो? हम जब पहली बार में प्रभु से आंसर नहीं मिलता, हम वर्ल्ड के हरेक दरवाजों पर खटखटाने लगते कि हमें कहीं से मदद मिल जाए। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जैसे दास की आंखें अपने स्वामी की ओर, जैसे दासी की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है, वैसी हमारी आंखें हमारे यहोवा परमेश्वर पर तब तक लगी रहेंगी जब तक वह हमें आशीषित ना करे। एंड दिस इज कॉल्ड फेथ। आपके विश्वास को जब आप प्रभु पर बताते हैं शायद समय लग सकता है। अब्राहम की संतान होने में, अब्राहम को जब प्रभु ने कहा उसके बाद से लेकर जब उसकी संतान हुई उसके प्रॉमिस वर्ड को पूरा होने में 25 साल लग गए। नूह से जब प्रभु ने कहा कि जहाज बना उसके कहने के बाद और जल प्रलय आने के बीच में 120 साल का अंतर है। अब्राहम ने 25 साल वेट किया, नूह ने 120 साल वेट किया, यूसुफ ने अपने प्रॉमिस को पूरा होने के लिए 30 साल वेट किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका वेट अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपके प्रेयर आंसर नहीं हुए, आइए आज प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं बिलीव करता हूं आप मुझे मेरी प्रार्थना का आंसर देंगे, मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करूंगा, मैं अपनी उम्मीद आपसे ही लगाऊंगा। आज मैं बिलीव करता हूं प्रभु किसी की परिस्थिति को बदलने जा रहा है, प्रभु किसी को हील करने जा रहा है और प्रभु किसी के प्रेयर का आंसर देने जा रहा है। मगर यदि आप अपनी प्रार्थना निवेदन पर अड़े हुए हैं और फेथ में खड़े हुए हैं, आपके आंसर को आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा कहने दीजिए, यीशु शायद वहां पर उसे हील करना चाहता था या नहीं चाहता था हमें नहीं पता, मगर एक बात है, उसके फेथ ने यीशु को मजबूर कर दिया, चंगाई तो करना पड़ेगी। आप कुछ भी बोलो प्रभु, मगर चंगाई करना पड़ेगी। हालेलुया। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु से कहते हैं, आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं, मेरी परिस्थितियों को सिर्फ आप ठीक करेंगे, मेरी सिचुएशन को, मेरे सीजन को सिर्फ आप चेंज करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं समय जब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं,
मैं बिलीव करता हूं प्रभु की चंगाई और प्रभु का आनंद, प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। आइए विश्वास के साथ अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और एक्सपेक्ट करें प्रभु कुछ करने जा रहा है। जब मैं इस गीत को फिर से गा रहा हूं, मैं बिलीव कर रहा हूं प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू ही वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु जितने लोग अपनी चंगाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, जितने लोग कई सालों से अपने चंगाई के लिए वेट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगाई उन्हें छूने पाए, आपका सामर्थ्य हाथ उन्हें छूने पाए। प्रभु शायद वो अपने प्रेयर के आंसर के लिए कई सालों से वेट कर रहे हैं, शायद उन्होंने गिव अप कर दिया होगा प्रभु, मगर आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है। और मैं बिलीव करता हूं पिता परमेश्वर, आज का इस समय उनकी परिस्थितियों को बदलने वाला समय है। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूं, जो मुझे सुन रहा है और बिलीव कर रहा है, मुझ पर नहीं मगर यीशु पर बिलीव कर रहा है, उसकी प्रार्थना का उत्तर हां और आमीन में आपने दे दिया है, इस बात पर बिलीव करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन।